एक महत्वपूर्ण वैकेंसी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं जिसमें आठ प्राइवेट स्कूल्स से परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों वैकेंसी हैं जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इसी क्रम में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदनगर से यह वैकेंसी अलग अलग पदों के लिए निकाली गई हैं सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जिसमें किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी है उसकी चर्चा करते हैं इंग्लिश की वैकेंसी है पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है केमिस्ट्री की मैथ्स की फिजिकल एजुकेशन अकाउंटेंसी फाइन आर्ट्स इन्फॉमेशन प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज साइकोलॉजी पोलिटिकल साइंस म्यूजिक हिंदुस्तानी म्यूजिक्स राइटर ने इस तरह से यह पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी था और बात करें टेन्ट ग्रेजुएट टीचर की जिसमें इंग्लिश है हिंदी है संस्कृत है साइंस है सोशल साइंस है कंप्यूटर है स्पोर्ट्स एंड मैथ्स है मैथ प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है इंक्लूडिंग एक्टिविटी टीचर काउंसिलर स्पेशल एजुकेटर अच्छा इसके लिए कुछ क्राइटेरिया एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है जरा मैं बताऊं कि एज पर सी बी एस ई नॉम्स कंप्यूटर लिटरेसीज मैंडेटरी और इन सभी टीचरों के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है दूसरा मिनिमम मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बी एड इज़ फिफ्टी परसेंट इन ईच यानी बी एड में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी फिफ्टी परसेंट मार्क्स की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है फॉर पी जी टी टीचर्स एंड फॉर प्राइमरी टीचर्स टू ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डी एड विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड वली रोज़ हु हैव वैलिड ए डब्ल्यू एस आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन सी बी एस स्कूल कैन अप्लाई संगीत विशारद और एम ए म्यूजिक टीचर्स के लिए भी आप देखें तो इस तरह से कुछ वैकेंसी में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हैं चलिए और विस्तार से समझते हैं एज क्राइटेरिया क्या है यह एज क्राइटेरिया जो है इसके लिए बिलो फोर्टी इयर्स फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए फिफ्टी सेवन ईयर्स से कम होना चाहिए मिनिमम फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लेस दैन इन द लास्ट टेन ईयर्स यानी पिछले दस वर्षों में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव उन्हें होना चाहिए एप्लीकेशन विद द डिटेल बायोडाटा कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड एंड मार्क्शीट्स शुड बी एड्रेस टू द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदनगर इस एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है एंड रीच बाय द पोस्ट और हैंड एंड हाथ से या बाई पोस्ट आप उसको भेजना है बिफोर द टेंथ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नो अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड देअ आफ्टर इसके बाद कोई कंसिडर नहीं की जाएगी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल भी रिजेक्टेड अप्लीकेशन फ्राम फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्राम द स्कूल वेबसाइट ए पी डब्लू डब्ल्यू डॉट ए पी एस अहमदनगर डॉट कॉम फ्राम हाँ अच्छा उसमें क्या है कि डी डी आपको हंड्रेड रुपीज़ की पे करनी पड़ेगी इन द फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदनगर अगली वैकेंसी डीपीएस स्कूल से है या वेन्यू इसका जो है विभिन्न खंड गोमती नगर लखनऊ याद रखिए कि इसमें अलग अलग पदों की वैकेंसी है डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वॉक इंटरव्यू है तो ट्वेंटी फोर्थ ऑफ दिसंबर यानी कल के दिन इसकी वैकेंसी है नाइन एम से लेकर के फोर पी एम तक एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्राम द एक्सपीरियंस ग्रेजुएट विद गुड अडमिक रिकॉर्ड्स एंड एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पी जी टी केमस्ट्री पी जी टी कंप्यूटर साइंस पी जी टी इंग्लिस पी जी टी बायोलॉजी एंड टी जी टी सोशल साइंस टी जी टी हिंदी टी जी टी कंप्यूटर साइंस टी जी टी मैथ्स टी जी टी इंग्लिस आर टी ऑल सब्जेक्ट्स के जी टी किंडर गार्डन एन इविन प्राइमरी सेक्शन में भी वैकेंसी हैं और म्यूजिक में भी स्पोर्ट्स में भी यानी को करिकुलर एक्टिविटी टीचर की भी रिक्वायरमेंट है सो यू हैव टू मैंसन यू हैव टू आउट द लिस्ट सैलरी फॉर द राइट कैंडिडेट इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट यानी जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनके लिए सैलरी कोई मतलब बाढ़ नहीं है उसकी काइंडली ब्रिंग योर सी बी अलॉन्ग विथ योर लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ आपको अपने साथ कलर्ड फोटोग्राफ रखना है और सी रखना है और इस एड्रेस पर आप जो है ना आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लें क्या क्या इसमें ज़रूरी है बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगले इसी क्रम में अगली वैकेंसी जो आ रही है एक्चुअली एक ग्रुप है जिसमें श्री नंदन श्री सराय नंदन दुर्गा कुंड सम शम, घाट शम, शम, क्या है और नॉलेज पार्क ये जो चार है स्कूल हैं अलग अलग ब्रांच हैं इनकी इसमें अलग अलग ब्रांच के लिए वैकेंसी अलग अलग पदों की वैकेंसी निकाली गई है प्रिंसिपल की वैकेंसी है जिसके लिए मिनिमम सेवन ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है इसमें फाइव ईयर्स की रिक्वायरमेंट है टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है पीजीटी केमिस्ट्री पीजीटी इंग्लिश पीजीटी इकोनॉमिक्स पीजीटी बायोलॉजी पीजीटी मैथमेटिक्स पीजीटी साइकोलॉजी पीजीटी सोशियोलॉजी वोकल म्यूजिक ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड अकाउंट्स इनमें पी में वैकेंसी है इसके लिए फाइव ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है टी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है पी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एन टीचर्स के लिए फाइव ईयस का रिक्वायरमेंट है इसके अलावा नोट कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द हाईली मोटिवेटेड कंप्यूटर लिटरेट कंप्यूटर लिटरेट कोई क्रिएटिव कैंडिडेट हैविंग ए गुड कमांड ओवर द इंग्लिश एंड फेयर फॉर इनोवेशंस इसका आपको करना क्या है मेल योरिज्यूम टू एच आर एट द रेट यस यू एन बी ई एम ए सी ए डी एम ई वाई डॉट सी ओ एम बिफोर फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इसके अलावा भी और वैकेंसी हैं इसमें अलग अलग पदों की वैकेंसी अदर पोस्ट जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं इनकी भी वैकेंसी हैं लाइब्रेरियन हैं एक्टिविटी इंचार्ज हैं हाउस कीपिंग इंचार्ज हैं इन्वेंट्री मैनेजर हैं ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हॉस्टल हो, सुपरिटेंडेंट वार्डन मेल और फीमेल बोथ ग्राफिक डिजाइनर पी आर ओ रिसप्निस्ट एंड लैब अटेंडेंट मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस फॉर दिस इन सब के लिए कम से कम तीन वर्षों का अनुभव जरूरी है सैलरी एज पर दी बी एस ई नॉर्म्स यह जो संस्था है नाइनटीन सेवेंटी टू से चलती आ रही है और बहुत ही एक्सेलेंट संस्था है आपको करना है इस इस ई मेल एड्रेस जो येलो कलर में है इस पर आपने सारे इन्फॉर्मेशन सेंड करने हैं रिज्यूम और इसी क्रम में अगली वैकेंसी डी पी एस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल सुशांत लोक गुरुग्राम से है जिसमें अपलिकेशन आर इन्वाइटेड फ्राम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद पब्लिक स्कूल एक्सपीरियंस एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इन इंग्लिश स्किल्स रिलीवेंट टू द पोस्ट मिस्ट्रेस की वैकेंसी है एकेडमिक में प्राइमरी एज वेल एज मिडिल स्कूल के लिए पी में इंग्लिश मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी एंड फिजिकल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है पी में इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड डांस की टीचर की रिक्वायरमेंट है पी में इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस फ्रेंच की रिक्वायरमेंट है एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर बात करें तो एडमिन ऑफिसर सीनियर एक्जीक्यूटिव एंड एडमिशन काउंसिलर की रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन एज पर द सी बस ई नॉर्म्स एंड गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ओनली शॉट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म कैन भी डाउनलोडेड फ्राम द स्कूल वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डी पी एस एस एल डॉट एन ई टी ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म टू बी सबमिटेड एट द स्कूल रिसेप्शन नाइन एम टू थ्री पी एम और ई मेल एट द कैरियर एट द रेट डी पी एस आई डी पी एस एस एल डॉट एन ई टी बाई ट्वेंटी फोर्थ ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इस तरह से इतनी सारी वैकेंसी थी इसी क्रम में अगली वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल माऊ से है द माल रोड माऊ प्राइवेट ऑनरेटेड स्कूल है रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ्स इस इसमें रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है और यह जो फिफ्थ एंड सिक्स नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो सी एस बी कार्ड होल्डर हैं उन लोगों के लिए भी तो इसमें इंटरव्यू के बात, बारे में कुछ बताई गई बातें हैं कि दोज हु हैव द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू जिनके पास ये सब हैं वे लोग एलिजिबल हैं वे क्या है द वैलिड सी एस बी स्कोर कार्ड इशूड अप टू ट्वेंटी एट ऑफ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड सेकेंड वन कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ़ मेरिट ऑफ परसेंट आई स्कोर्ड इन सी एस बी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री सीटेड और या टेट इज़ मैंडेटरी फॉर टीजीटी एंड एचएम्स विथ 60 परसेंट मार्क्स ठीक है अब इसमें जो वैकेंसी हैं किन पदों की वैकेंसी इसकी चर्चा कर लेते हैं जो पे एंड अलावेंस हैं बीजीटी की वैकेंसी हैं टीजीटी की वैकेंसी हैं हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस इन प्राइमरी विंग और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो पी जी फिजिक्स पी जी साइंस पी जी साइकोलॉजी जिनमें बेसिक पे थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी रुपीज़ मिलेंगे एंड डी एंड एच आर एप्लीकेबल एज पर द स्कूल नॉर्म्स एंड टी की बात करें तो टी में कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट है और पी की जिसमें थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ एज प्लस डी एच आर ए हेड मिस्ट्रेस एंड हेड मास्टर्स में भी थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी और उनको भी डी और एच प्रोवाइड किया जाएगा अच्छा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है आपको करना क्या है पाँच जनवरी दो हज़ार तेईस से पहले आपको फॉर्म सेंड करना है और डी डी हंड्रेड रूपीज़ का नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है आर्मी पब्लिक स्कूल मऊ के नाम से टेंटेटिव डेट्स फॉर इंटरव्यू विल भी फिफ्टी टू थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई अगर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू हैव टू गो थ्रू द एडवर्टीजमेंट थैंक यू सो मच एंड गुड लक Thank you.